हाइकिंग, स्टेक बोर्डिंग, रोलर ब्लेडिंग और विग्रस इंटेंसिटी एरोबिक्स। और मसल्स स्ट्रेंथनिंग ज्यादा डिस्कस, क्योंकि आप सभी इन चीजों को जानते हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। जो हमें आगे मेन जो काम करना है उस पर हम रुकेंगे। यहाँ तो केवल एक्टिविटी, वो एक्सरसाइज कौन सी है उसके बारे में बात की गई है। हम मसल से स्ट्रेंथनिंग के लिए गेम्स सच एज एरोबा, गेम्स सच एज वो सेम है, मॉडिफाइड पुशअप्स, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, बॉडी वेट और रेजिस्टेंस बैंड, रोप और ट्री क्लाइंबिंग, सिटअप्स, स्विंगिंग और प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स, ऐसे यूगर है एडोलेसेंस के लिए। बोन स्ट्रेंथनिंग, अब जी ये जो कॉम्बैक्ट गेम है इनके लिए बैंड भी आ गए हैं बहुत। जी सर, ये एक थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सभी को जानकारी है, जानते हैं। अब डिजाइनिंग ऑफ एक्टिविटी पे है मेन जो है हमारा आज का सेशन का टॉपिक, वो यही है। वो एक बैकग्राउंड कह लीजिए, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, कुछ भी था। अब हमें एक्टिविटी डिजाइन करनी है और फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हमारे कौन कौन से हैं जी? मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, दो टाइप हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और अपना स्किल रिलेटेड फिटनेस, उसमें बॉडी कंपोजिशन हमारा आ जाता है। तो ये एक्टिविटी पे अब इस पे बात करनी है हमें मेन। अब एक्टिविटी कैसी हो, डिजाइनिंग एक्टिविटी, गोल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का पर्पज क्या है, व्हाट वी वांट टू टीच स्टूडेंट्स, क्या हम उसको उससे डेवलप करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, एज, एज के हिसाब से होनी चाहिए, वेदर और सीजन, वेदर कौन सा है उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। हालांकि यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा गया है अलग अलग, तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान किया जा सकता है उसका भी। स्पेस की अवेलेबिलिटी, कितना स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है। इक्विपमेंट मेरे पास क्या है अवेलेबल, टाइप्स एंड नंबर कितने हैं, कितने मेरे स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्टिव एंगेजमेंट एट ए टाइम हो सकता है, टाइम फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी, कितना टाइम की अवेलेबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो भी ध्यान में रखना है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, मैं एक अकेला कितना क्या कर सकता हूं ये भी ध्यान रखना है, एक्टिविटी लेआउट प्लान उसका बनाना है, डिफाइन स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग, कैसे परफॉर्म हम करेंगे, सेफ्टी मेजर्स और इंजरी उनका भी ध्यान रखना है कि इंजरी ना हो, सजेशंस फॉर इंक्लूजन एंड असेसमेंट आफ्टर एक्टिविटी, लास्ट में एक्टिविटी का उस दिन नहीं तो कभी कभी महीने में दो महीने में मूल्यांकन असेसमेंट होना जरूरी है। बच्चे क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, प्लान इन लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी डिजाइनिंग की सिंपल, जैसे हम लेसन प्लान में इसके जो प्रिंसिपल है उसमें भी करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, तो वही है, चूज एन इंडोर एक्टिविटी इफ यू आर बॉदर्ड बाय वेदर एक्सट्रीम सच एज हीट और कोल्ड, यदि आपके पास हॉल है, प्लेग्राउंड नहीं है बाहर ओपन, एंजॉयमेंट इज द की, थिंक वेरायटी, जो बात पहले भी कर चुके हैं वैरायटी की, पुट इट ऑन पेपर, ये एक मेन है जो डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस की बात कर रहे थे कि वो पेपर पे या रिकॉर्ड में आ जाए जो एक्टिविटी हमने बनाई, रिलेट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, जब हम कुछ भी करते हैं ऐसा तो हमारी जो रियल लाइफ के है उसके एग्जांपल हमें
उससे जोड़ना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट ऑल, सभी को पार्टिसिपेट कैसे करवाएं इस पे विचार करना है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, शायद इस पे बात हुई है, कैसे करेंगे इसको. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस. नॉर्मली टीचिंग में यह हम थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहे हैं या एक्सरसाइज करा रहे हैं. वन वे होता है, टीचर ही अहम रोल निभाता है. इसको पे चेक मार्क लगाना है, इन्वॉल्वमेंट बच्चों का. एक्सप्रेस करने दो, उसको बोलने दो, ऑब्जर्व करने दो, असेसमेंट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होना इस पॉइंट पे. क्या अगला कौन है? हाँ ठीक है, वो आप उसको ये समझना है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, उस पॉइंट की बात करें सेकंड लास्ट की. हाँ ठीक है, बिल्कुल. ऑब्जर्वेशन में वही है कि आप बच्चे को सबको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो कुछ को ऑब्जर्वेशन में भी लगा सकते हैं, फिर इंटरव्यू कर सकते हैं. उससे क्या है कि जब वो कर रहा है, जब सामने ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज्यादा सीखता है ऑब्जर्वेशन से. जो उसकी गलतियां हैं उसका एहसास उसे तब होता है सामने आने के बाद. तो जब हम एक्टिविटी ऑब्जर्व डिजाइन करेंगे तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है. अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ये एक्टिविटी जो डिजाइन हमें करनी है उसके लिए है. एक एक्टिविटी है ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट डेवलप करने के लिए एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी लेआउट, दो पिक्चर दी गई हैं, नाम दिया गया बॉल चेन. नाम आप कुछ भी अपना दे सकते हैं, रिक्रेशनल गेम का नाम हमारा अपना होता है. उसका प्रोसीजर लिखा गया है. स्टेप वन, पास द बॉल ओवरहेड विद बोथ द हैंड्स विद ए स्विंग. जो ये एक्टिविटी है, कभी कभी हमें ना ये ऐसी लगती है कि क्या एक्टिविटी है. हमें जाकर सोचना है बच्चों के लेवल पे. बच्चों के लेवल पे कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर कमरे में पानी पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, कागज बिखरे पड़े हुए हैं थोड़े से. हमने एंट्री की यहाँ से, एक बड़े व्यक्ति ने, तो वो बड़ा बच के जाएगा, अरे क्या सफाई नहीं करवा, कितना गंद है, मिट्टी है, कागज है, टुकड़े हैं, ये कमेंट होगा. अब एक प्राइमरी के बच्चे को भेज, वो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, पहली क्लास का छोटा क्या रिएक्शन होगा, सेम सिचुएशन होगा. मजा आ गया और फिर मिट्टी, फिर कागज उठाए, उसकी बॉल बनाई, दोनों में डिफरेंस. तो कभी कभी ऐसी छोटी एक्सरसाइज को हम सोचते हैं कि क्या होगा, क्या फायदा इससे, कितना डेवलपमेंट होगा. वो उस लेवल के लिए वो डेवलपमेंट है. तो ये मेरा कहना था कि वो तो उसके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है. उसके लिए हमने डिजाइन की है. स्टेप वन हो गया, टू आपने पढ़ लिया होगा, पास द बॉल फ्रॉम द राइट साइड, बोथ साइड. आप चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, टांगों के नीचे से भी कर सकते हैं. तो ये स्टेप चल रहे हैं. डिवाइड द क्लास इनटू फोर ग्रुप, जो वहां दिखाया गया है, जो लाइन में खड़े हुए हैं. ऑल द ग्रुप स्टैंड इन ए लाइन फॉर्मेशन विद डबल आर्म डिस्टेंस फ्रॉम द साइड एंड वन आर्म डिस्टेंस. ये एक एग्जाम्पल है. तो ये एक्टिविटी हमने की. रिसोर्स क्या क्या जरूरत है हमें, मार्किंग पाउडर फॉर सॉकर कॉन्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी हो सकता है बॉल. सेफ्टी मेजर्स, ये तो एक आइडियल वो हमने है, ये हम बनवाएं तो ये की एक आपको एक एग्जांपल के रूप में सामने. सजेशंस फॉर इंक्लूजन CWSN के लिए, क्योंकि ये आजकल बहुत जरूरी है. मान लीजिए आपने एक एक्टिविटी बनाई बहुत अच्छी सब कुछ और ये नहीं किया, तो कोई दूसरे को उसको एकदम चांस मिलेगा CWSN के लिए क्या, तो उसको भी रखा गया है कि कैसे. हालांकि ये बहुत चैलेंजेबल है, कहना बहुत आसान है, उनको साथ लेके चलना और इंक्लूजन, लेकिन फिर भी हमें अपना ध्यान रख, इन चीजों का ध्यान रखना है. तो ये एक एक्टिविटी डिजाइन होगी. अब जितनी हमारी रिक्रेशनल एक्टिविटी है, माइनर गेम है, लीड अप गेम्स है, मास्पीटी है, कैलिस्थेनिक्स है, चाहे कोई डिम्पल ड्रिल कह लो, लेजियम ड्रिल कह लो, हुक ड्रिल कह लो, रुमाल ड्रिल कह लो, कुछ भी कह लीजिए आप, रिबन ड्रिल कह लीजिए, ये सब हमने ही तो डिजाइन की है. किसी ना किसी ABCD किसी ने तो डिजाइन की है, लेकिन वो एक बार डिजाइन कर ली, हम उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं, उसमें नयापन, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट. मास्पीटी का जब नाम आता है ना,
तो मांसपीति का नाम आता है, बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेते हैं, बोरियत फील करते हैं, या हम भी, क्योंकि हम एक ही उसको चला रहे हैं, उसमें चेंज नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक यही सेम ऐसे एक्शन होंगे हाथ और पैर का, कुछ भी हो सकता है, उसमें टर्न भी हो सकता है, उसमें जंप भी हो सकता है, उसमें बेंडिंग भी होती है। और अच्छी जो टेबल है वो तो वही मानी जाती है जिसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए, 8 या 10 या जो भी हमने एक्सरसाइज ली है। तो एक ये आइडिया था इसका, एक्टिविटी कैसे हमें बनानी है। ये एक दूसरा है, तो टग ऑफ वार है, आप सभी परिचित तो पहले वाली उनसे भी हैं। तो ये एक दूसरा है, ये मसल्स स्ट्रेंथ एंड पावर डेवलपमेंट का एक्टिविटी है, टग ऑफ वार। अब टग ऑफ वार नहीं है तो हम और कुछ सोच सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो एक ये है, इधर हमने लेआउट इसमें दिखाया गया है, रिसोर्सेज की बात की गई है, सेफ्टी मेजर्स और वो सेम पैटर्न है, वही ग्रुप में डिवाइड स्टूडेंट्स को किया गया है। स्ट्रॉन्गर एंड हैवियर प्लेयर्स आर एट एन एडवांटेज इन टग ऑफ वार, सो ट्राई टू डिवाइड द टीम ऑन द बेसिस ऑफ वेट कैटेगरीज। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, हम कैसे करेंगे वो हम देख सकते हैं। पुट टेप अराउंड द सेंटर्स ऑफ द रोप टू मेक ए लाइन, हमें ये टैग ऑफ वार है ठीक है, नहीं है तो कोई और तरीका निकाल सकते हैं स्ट्रेंथनिंग का। नेक्स्ट पे आ जाऊं, कार्डियो वर्कआउट, अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उस पे एक एक या दो दो एक्टिविटी डिजाइन की गई है। जी इसको सर शेयर कर दोगे ना व्हाट्सएप पर इस एक्टिविटी को, मुझे ये शायद एक्टिविटी को नहीं कह सकता कि शेयर होंगी या नहीं, क्योंकि ये अभी प्रिंट नहीं है, पीपीटी शेयर कर पीपीटी शेयर पर लेकिन एक्टिविटी हमें हटानी पड़ सकती है। तो कोई बात, ये जो मुझे इसका क्लियर नहीं है, यदि ये प्रिंट हो गया तो हो सकता है, नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, प्रिंट से पहले कैसे करेंगे। पास द बैग, ये छोटे लेवल की है एक्टिविटी, इससे थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स भी बनाई जा सकती है। देखिए ऐसी एक्टिविटी ये मैंने बहुत बार देखा है, जो पार्कों में, मैं किसी मेरा भाव वो नहीं है कुछ भी, जो पार्कों में शाखा लगती है खासतौर से आरएसएस वालों की, वो बहुत वेरियस टाइप की एक्टिविटी करते हैं, उनकी एक्टिविटी कई बड़ी अच्छी हैं, आप उसको अदरवाइज ना लें। मेरा केवल एक वैसे ही था क्योंकि मैंने देखा है पार्क में कई बार करते हुए उनको, अच्छी एक्टिविटी है। मस्कुलर एंड्योरेंस एंड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ये वही स्केटिंग रोप है बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी। और कम स्पेस की जरूरत है हमारी, एरोबिक डांस। हमारे टाइम पे एरोबिक नहीं था, मांसपीटी कहा जाता था, ड्रिल ही बोला जाता था, उसके बाद एरोबिक इंट्रोड्यूस हुआ है। और एरोबिक अब तो इतना है म्यूजिक पे, उस पे अलग मांसपीटी वगैरह भी म्यूजिक पे होती थी, लेकिन अब तो ये एक इतना अच्छा वो आ गया है कि म्यूजिक पे पूरा जिसको डांस कह दीजिए, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, वो इतना इंटरेस्टिंग होता है ये, तो ये तैयार किया जा सकता है, तैयार तो किया जा सकता है। बच्चों के पास हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में हैं, पैंट शर्ट इतनी टाइट पहन कर होंगे, एरोबिक कैसे होगी, दिक्कत यह ना कि आप पब्लिक स्कूल के लिए तो है, उनके पास स्कूल डे वाले दिन अपना ट्रैक सूट डाल के आएंगे, टी शर्ट डाल के आएंगे, तो वो एक्टिविटी वहां करवाई जा सकती है। परंतु यहाँ तो अगर आपने एक्टिविटी सर करवाई, अगर 25-30-50 रुपये जी मैं अपने प्रिंट पैंट सिलवाता हूँ, तो ये हमारे साथ सिचुएशन अलग है थोड़ी।
सर पहले दिन ही ये बात कही गई थी, जैसे आपके स्कूल के सरकमस्टांसेस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बेसिक फिटनेस टेस्ट का, बेसिक फिटनेस टेस्ट सेंट्रलाइज आया, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, आप नहीं करवा पाए, फेक डाटा भी अपलोड किया गया। मैं दिल्ली के स्कूलों का अब से कोई कितने 7 और 12 ग्रुप का हो चुका, हर ग्रुप में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये टीचर्स का कहना है कि मेरे पास ग्राउंड नहीं था, मैंने जैसे भी कुछ करके, लेकिन अब मजबूरी थी, अपलोड करना पड़ा, ठीक है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए सेंट्रलाइज्ड जब कोई स्कीम आती है, सेंट्रलाइज्ड स्कीम में चैलेंज आते हैं, क्या चैलेंज आते हैं, हर स्कूल के सरकमस्टांसेस, उसका प्ले ग्राउंड, उसके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। जो एजुकेशन में है, जहाँ अच्छा है, और वहां पर जोन या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या अपना एक क्लस्टर के हिसाब से एक्टिविटी डिजाइन कीजिए, एथनिक प्लान कीजिए, उस प्लान को सबमिट कर दीजिए, तो आप उसमें नाराज ना हो। जो मैं कह रहा हूं, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, इसीलिए मैंने भी कहा कि आप कहो कि आपके स्कूल की समस्या मैं सुलझा दूंगा या मैं तरीके बता दूंगा, नहीं बता सकता। आपके स्कूल कैसा है, गवर्नमेंट में भी कुछ स्कूल इतने अच्छे हैं जो अच्छी जगह पर हैं और एक उनकी रेपुटेशन भी है, और ऐसे भी स्कूल हैं कि जहां पर स्ट्रेंथ इतनी है, सारे दिन पढ़ाई की तो बात दूर है, आवाजाही ही लगी है, तो हर तरीके के हैं सर। तो उसको आपको, और होता क्या है, क्या मैं हूं या आप हैं, ह्यूमन नेचर है, जब मैं अच्छा काम करता हूं और कोई बात कही जाती है तो सबसे पहले उसी को पिंच होती है, तो आप उसको अपने ऊपर मत लीजिए। मैं जो बात कहता हूं, मैं कॉमन मान के कह रहा हूं सबको। कुछ टीचर्स ने कहा कि मेरी मजबूरी थी, तो मैंने कहा क्या ब्लैक एंड व्हाइट, कल की बात है, मैं यमुना विहार में था, ठीक। उसने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि ये कर दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा क्या कहा, तो मैंने कहा क्या आपने कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में लिया, ये लिखित में लिया कि नहीं लिया। मान लीजिए कल को किसी ने चैलेंज कर दिया, तो प्रिंसिपल तो कह देगा इन्होंने करके लिया था, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उससे ये चर्चा की। आप या तो उससे ऑर्डर लेते या कुछ लेते, आपने तो ये डाटा ऐसे ही, फिर उनमें जगह नहीं थी। उसमें भी हम क्या करते हैं, मेरी आपको भी पर्सनल सलाह है कि उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में ले आइए, जब आप वहां के क्राइटेरिया को बदल रहे हैं, और बहुत साथियों ने भी किया होगा, प्रिंसिपल तैयार नहीं है रिकॉर्ड में लाने को, कीजिए कमेटी बना दीजिए ना, उसमें टीचर, आप, मैं और कुछ बच्चे हो जाएं, और उसमें लिख दें 2 लाइन, जैसे मिनट्स लिखते हैं ना, तो मिनट्स लिख दें कि हमारे विद्यालय में 100 मीटर की डिस्टेंस, वो रेस करवाने का स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह हम इसको पार्ट में डिवाइड कर 20-20 के टुकड़े बना के उसकी रेस कर रहे हैं, उसका डेटा ले रहे हैं, वहां पर कमेटी के साइन हो जाए। देखिए जो आज टाइम है, अब मैं आपको एक पर्सनल राय दूं, कल को वो किसी ने सपोज करो कंप्लेंट कर दी, क्या प्रिंसिपल कहेगा कि मैंने इन्हें कहा था? तो वो तरीका है, हमें बताना पड़ेगा वो तरीका। उस वक्त कह देगा कि वो उनके ऊपर जोर पड़ेगा, कमेटी पे भी साइन करते हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं थोड़ा आईडी का ऑफ द रिकॉर्ड बोलूं तो अपनी स्किन भी सेव करनी है। सर जैसे कि 100 मीटर मैं आपसे कहूं, आप कौन होते हैं ये चेक करने वाले, आपने डिपार्टमेंट को क्यों नहीं लिखा कि मेरे यहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूं? मतलब ये बातें आती हैं,
मैं ये नहीं कह रहा आएंगी, तो उस थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ना इस तरीके से कीजिए। अब ये बात कोर्ट करने की नहीं है कि सेमिनार में आया था, उसमें मैडम आपको ये करना चाहिए था कि आप लीड रोल में आते और प्रिंसिपल को सजेशन ये देते कि क्लास टीचर को करना है, लेकिन क्लास टीचर को उसका आइडिया नहीं है तो आप एक मीटिंग बनाइए और हम उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। अब वो सबने जैसा भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, अल्टीमेटली आपने कर लिया, उसका तरीका ये होता है सारे स्कूल का आप नहीं कर सकते। तो जो क्लास टीचर किया तो फिर अननेसेसरी बर्डन दिया ना, रास्ते निकालिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ सर, वो जिसमें हमारी अपनी इम्पोर्टेंस भी बनी रहे, हमारा कि हमारा एक चीज को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपना पहले पूरा प्लान करते, उनको बताते, मीटिंग में समझाते, फिर सुपरविजन उसका आप करते, वो रोल बेटर था या उसमें 2 दिन 4 दिन 6 दिन खपे गए और लगे रहे, वो कौन सा बेटर? अब आपकी इच्छा, आपको वो अच्छा लगता है वो करेंगे, हमें नहीं हमें ये मानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो कहा जिन्होंने जी बातों को जो जिसमें हम लीड रोल कर सकते हैं और दूसरों को ये बता सकते हैं कि हम क्या हैं, वहां हम चूक जाते हैं। आप प्रिंसिपल के उस पे रहते हुए, मौजूद रहते हुए आप उनको गाइड करते, सारे आप जो प्रोग्राम बना के देते, कन्वीनर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का मतलब है उसके अंडर सारा काम हो रहा है, तो वो एक पूरा प्रिंसिपल को भी नजर आता कि हाँ इनकी कोऑर्डिनेटरशिप में ये काम हुआ है, इन्होंने पूरे स्कूल, पूरे टीचर्स, पूरे क्लास टीचर्स को गाइड किया है। अब आपने सारी मेहनत कर ली, आपके ऊपर वो सारी चीज आ गई, यदि आपको वो ठीक लगता है वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो तरीका, ऐसे तरीके हर चीजों में अपना है। मेरी एक ये पर्सनल आपको सलाह है और जैसा आप वो है, तो ये एक्टिविटी के आइडिये थे कुछ थोड़ा सा कि किस प्रकार से हमें एक्टिविटी डिजाइन करनी है। अब थोड़ा सा बातें सुन सुन के थोड़ा सुस्त हो रहे हैं आप, पैसिव मोड में आ रहे हैं, इन एक्टिव है, फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। तो एक एक्टिविटी हम अभी करते हैं यहीं पर, किस प्रकार से, उसके बाद आगे का है। कुछ साथी आगे आ जाइए, आ जाइए आगे। आ जाइए 10-12 आ जाइए, बाकी अभी यही करना है, बैठे इतनी देर समय बढ़ाना है कि 9 बजे से 3 बजे तक आप फिजिकल एजुकेशन वाले बैठे रहते हैं। चलो बेटे शाबाश, अनंत बेटे शाबाश, शाबाश। हाँ विशाल जी, आप आ जाओ, विशाल जी दिक्कत है मेरे कमर में, कोई दर्द नहीं है, वो आ जाओ जी, में हमें एक प्रिंसिपल और सिद्धांत एक्टिविटी शुरू करने से पहले वार्मिंग अप होना चाहिए। वार्मिंग अप की जगह नहीं है, राव दूंगा गर्म रहे जी, ऐसे
ऐसे काम ही हो ना, ये थोड़ा ये एक सर्कल है हमारे पास चौक नहीं है फिलहाल, यहीं पर आपको एक दूसरे का रुमाल निकालना है। चलो स्टार्ट। इसको पता नहीं था सर। रूल ये है बॉडी टच नहीं होगी, बॉडी टच नहीं होगी, रुमाल निकालना है लेकिन बॉडी टच नहीं होगी। है अनंत बार कार्ड इसने है नहीं, इस सर्कल से बाहर नहीं निकलता। ये सर पूछ पाड़ एक्टिविटी है। भाई डी की शक्ति डी से टकरा गई है, डबासा मर्द यहाँ मुकाबला हो गया है, शानदार मुकाबला। देखिए यहीं पर हम तीन सर्कल बना सकते हैं क्लास में जितनी जगह है, यदि करवा क्लास की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया। अब ये जो है ना ये एक्सपर्ट आदमी है, दोनों एक्सपर्ट आदमी क्या है कि स्किल के तरीके से रुमाल निकालना चाहते हैं। बच्चे में वो स्किल नहीं है, वो तो झूठ जाएगा, इतनी देर में तो पसीने पसीने हो जाता है, ये अंतर है। ये टेक्निक से निकालना चाहते हैं, वो टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये करवा के फिर हम एक्टिविटी अब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा एक वार्मिंग अप्लाई दिया जाएगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना क्या करवा है, बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग खड़े होते, आमने सामने पेयर बना लीजिए, एक और बुला लीजिए किसी साथ में, कोई एक आ जाइए, कोई साथ सुने कोई एक आ जाओ, आजा जाओ जाओ आ गया आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको एक नंबर पे क्यों क्लैप करना, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, उधर जगह था ना, इधर एक बार क्लैप सिर्फ हो गया, ठीक है। दो पर थोड़ा पीछे जगह है, दो पे स्क्वायर रुकना है, ठीक है। तीन पर जंप, चार पर टर्न, अब टर्न आप कर सकते हैं, बच्चे की थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप कर सकते हैं जंप करके पूरा टर्न 180। चार स्टेप अभी हैं, ठीक है। एक पे क्या है, दो पे क्या है, तीन पे क्या है जंप, चार पे, पांच पे बैलेंस एक लेग, ठीक है। एक पे क्लैप है, दो पे स्क्वेट है, स्क्वेट है से होल्ड थोड़ा सा तीन बोल में से पहले तीन पे जंप रहे और चार पे है जंप एंड तीन मार एंड पांच वन पांच के दो टू थ्री फोर फाइव ठीक है, रिलैक्स। अब मैं कोई भी नंबर बोलूंगा, ठीक थ्री वन अच्छा ठीक है दोबारा से वन टू थ्री फोर फाइव
फाइव वन टू थ्री फोर फाइव। चलो अब याद हो गया होगा कि एक से पांच तक क्या है। अब कोई सा भी नंबर बोला जा सकता है। अब यहाँ टीचर काम ना करे, टीचर की जगह बच्चा आ जाए ऑब्जर्वेशन के लिए, बच्चे को खड़ा कर दीजिए, कुछ को इन्वॉल्वमेंट करना है ना। अरे आप क्या बना रहे हैं, आ जाओ। अब जब कोएड क्लास होगी तो ऐसा ही होगा जैसा हमारे यहाँ हो रहा है, ऐसा ही होगा ना। खास तौर से गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करती, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं किया। वन थ्री फाइव टू थ्री फाइव एक एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी में हम हमारे फिजिकल हम नहीं कर पा रहे उसको, हम गेम से ज्यादा उसमें तो एक हम सीखे हुए हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ थोड़ा सा कि जो मेन पहला पर्पज फिजिकल एजुकेशन का क्या है, फिजिकल फिटनेस डेवलप। और आप देखो, आप बच्चों को दौड़ाने लगो, बच्चे दौड़ ही नहीं पाते, थोड़ा सा देर दौड़ेंगे बैलेंस लहरने लगते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये चीजें हमारी क्या है, ये हमारे कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं। अब जब हमने भी मान लीजिए पहली बार बैडमिंटन में खेलना शुरू करूं तो शटल साइड से जाती है, रैकेट साइड से जाता है, फुटबॉल किक मारते हैं और आने दे बॉल को फाड़ ही दूंगा और बॉल साइड से गई और पैर ऊपर और मैं जमीन पे सपाट। ये कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है नंबर वन, उस पे क्या हो रहा है कुछ। नंबर वन कौन सा कंपोनेंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। नंबर टू पे नंबर टू पे कौन सा कंपोनेंट डेवलप हो रहा है, स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ। आप स्क्वाट पे यहाँ पर रुके हुए हैं, स्ट्रेंथ। तीन पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। चार पे पांच पे बैलेंस। अभी अब ये एप्लीकेशन हो गई इस चीज की, हम भी थोड़ा सा बताते वक्त थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो ये जब हमने बताया बच्चे को तो उसको ये एहसास हुआ, हम करवाते हैं ये। ऐसा नहीं कि नहीं करवाते, कोई मैं नई चीज लेके आया हूँ, लेकिन साथ साथ ये डिस्कशन हो जो मेंटल डेवलपमेंट की बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है, वो साथ साथ हो रहा है। एक बार फिर करेंगे, बाकी क्या भी करेंगे। वन थ्री टू फाइव वन दे दो चाय।